गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी पासपोर्ट लेके घूम रहे हो? इंडिया जा रहे क्या? वो जमाना, ये कह रहा ईया ईया गाओ गाओ बस ईया ईया ओ ओ। सुबह उठाया, सुबह उठते ही ईया ईया ओ, हम दोनों सो रहे हैं, ये ईया ईया ओ बोल रहा है। गुड मॉर्निंग हो गई है अर्चना। बर्तन ये हमारा बिटुआ कह रहा है आज के कपड़े मैं दूंगा, मैं नंबर वन हूँ, मैं नंबर वन हूँ। हाँ अलबा बंद होगी, अलेक्सा रिज्यूम। और मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर के सैंडविच। वैसे तो नहीं बन सकते जैसे इंडिया में बनते थे क्योंकि हमारे पास वो टोस्टर था प्रॉपर वाला, बट अभी तवे पे ही बनाती हूँ, देखते कैसे बनते हैं, बड़े दिन हो गए। हाँ वो प्याज टमाटर मम्मा बनाती थी याद है। ये लड्डू बचपन में मेरा फेवरेट हुआ करता था, आज कीचू ने मना कर दिया कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा नाश्ता, बट ये आखिरी लड्डू है तेरा आज का, समझे? आखिरी में तो पहला और आखिरी। प्याज टमाटर मिर्ची अदरक, पहले अंदर वाली साइड टोस्ट कर ली थी, अब बाहर हल्का सा बटर लगा के इसको टोस्ट करूंगी। सुबह सुबह गाइस दो पैकेज डिलीवर हुए हैं। तो हुआ ये कि वो जो पैकेज डिलीवरी गया था अमेज़न का, वो बहुत देर से फ़ोन कर रहा था मेरा फ़ोन। हम दोनों के ना फ़ोन बस इधर उधर ही रहते हैं, हम अपने पास ही नहीं होता। मेरा फ़ोन मेरे ऊपर रूम में चार्ज हो रहा था और अब मैं किचन में बर्तन कर रहा हूँ, कीचू किचन में खेल रहा है और दिव्या किचन में खाना नाश्ता बना रही थी। तो वो बंदा फ़ोन कर करके थक गया। उसके बाद उसने क्या किया, दरवाजे के सामने पैकेज रखे और ना पीछे वाले दरवाजे से वो आया, तो उसने देखा कि अच्छा ये बंदा बर्तन मांज रहा है, वो खाना बना रही, तो उसने मेरे को नॉक किया कि आपका पैकेज मैंने बाहर छोड़ दिया। तो उस हिसाब से फिर हमको पता लगा कि अच्छा पैकेज आ गया, मतलब अमेज़न को भी पता चल चुका है अज्जू काका के बारे में, द रॉयल अज्जू काका। ये है दिव्या का वो जो ख़राब वाला लैपटॉप, मतलब मेरा लैपटॉप जो ख़राब हो गया था, जिसमें एप्पल वाले कह रहे हैं कि वाटर डैमेज है। मैंने कुछ मंगवाया और इसमें है हमारी रिंग लाइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लाइटिंग कितनी डिम है और वीडियो शूट करने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और अर्जुन आर जे 2.0 चैनल के लिए मेरे कुछ प्लान, उसके लिए मुझे लाइट चाहिए थी, थोड़ी सी मैंने मूड लाइटिंग भी मंगवा ली है। और जो बात दिव्या को नहीं पता, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज प्लान किया है मैंने और वो खुश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी मुझे पता है। तो उसको भनक भी नहीं लगी इस चीज़ की कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जाते हैं वो चीज़ पिकअप करते हैं और फिर उसको ला के देते हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, बिकॉज शी विल नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ हो सकता था 100%। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं तो इसके बाद बताऊँगा, ठीक है इसके बाद बताऊँगा पूरी स्टोरी है क्या, बट शी इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी। ये मूड लाइटिंग के लिए बल्ब्स मंगवाए हैं इस रूम में, तो ये आ चुके हैं कलर बल्ब्स, मतलब वायरलेस लीप्रो करके कंपनी है। ऊपर भी मैंने चेंज कर दिया ये वाला बल्ब, तो अब मैं इसको भी पेयर कर लेता हूँ, दिखाते हैं आपको कैसे होता है। 10 सेकंड का लाइट को ऑन किया, फिर 5 सेकंड के ऑफ, 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग मोड पर डालेंगे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, लाइट ब्लिंक करेगी। अब हम ऐप पे जाएंगे, सर्च हो गई लाइट, अब मैंने इसका नाम कर दिया हेडलाइट। वाओ माहौल ही बदल गया रूम का, देख रहे हो। रिंग लाइट भी आ चुकी है गाइस।
इसका रिमोट बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने खोला नहीं है लेकिन सही नहीं। यहाँ पे पीछे कंट्रोल सेटिंग्स हैं, डिम कर सकते हो ब्राइटनेस और वार्म। ये आरजीबी सेटअप हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी, एक बल्ब और मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है, बट वो विल फिगर आउट कि फिक्स कहाँ करना चाहिए, या तो इसके बैक में करें स्क्रीन के, या फिर देखते हैं जुगाड़। अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे को भी फील आ गया यहाँ पे, ऐसे गेमिंग वाला फील आ रहा है, हालांकि गेमिंग करने का टाइम नहीं है, बट फिर भी कभी कभी जब मन करेगा तो कर सकते हैं। बट अब जो मेरे अर्जुन आरजे 2.0 पे जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो इस सेटअप में आएंगे। स्टिल आई एम जस्ट फिगरिंग आउट, थोड़ा और ट्वीक हो सकता है, लेकिन अभी चलते हैं दिव्या का सरप्राइज गिफ्ट उठाने, निकलते हैं 2 मिनट के अंदर। तो गाइस दिव्या को मैं बोल के आऊँ कि यार मेरा ना एक बल्ब गलती से वो लॉकर में आ गया है, मैं लेके आता हूँ, तब तक तू चाय रख देगी क्या, क्योंकि मेरे को अपना सेटअप कंप्लीट करना है, तो तू चाय पी, तो वो चाय वाय बना रही है। अब मैं जल्दी से लेके आता हूँ उसका सरप्राइज गिफ्ट, नए साल में उसको बड़ा काम आएगा वो। आज मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, ये सरप्राइज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा भाई, मतलब ही नहीं बनता। आप लोगों ने भी नहीं किया होगा एक्सपेक्ट। चलो लेके आते हैं जाके। यहाँ पर डिलीवर करवाया था मैंने, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गिफ्ट के लिए, स्पेसिफिकली मज़ा आने वाला है। ये जो घर देख रहे हो ना, पहले हमको यहाँ मिला था घर, अपार्टमेंट्स थे, फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कॉटेज दे दो, बट ये भी बहुत सही जगह लग रही है। भारी सरप्राइज होने वाला आज, एकदम भारी। अभी जाके पहले चाय पीऊँगा, उसको बताऊँगा नहीं कि ये उसके लिए है, सीधा अपने रूम में चला जाऊँगा, बोलूँगा हाँ हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, और ताकि ना एक एक्सपेक्टेशन टूट जाएगा, अगर अभी हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर भी रही हो अगर कुछ, तो जाके पहले मैं चाय वाय पीऊँगा अपने कमरे में जाके, बोलूँगा अपना मेरा सामान आ गया, और फिर बाद में उसको बुलाऊँगा और बोलूँगा ये इसको खोलना ज़रा, फिर आपको भी दिखाते हैं और उसको भी मज़ा आएगा। आई एम रियली एक्साइटेड, 5 पर बोल चुका हूँ मैं, आज का अटेंडेंस कोड है एक्साइटेड। इसके नीचे है उसका गिफ्ट, तो भाई मैंने क्या किया, उसके रूम में उसका गिफ्ट छुपा दिया। अभी ऐसे सटल तरीके से सरप्राइज देंगे, ऐसा नहीं कि हाँ आ जा पैक अनपैक कर तो पता लग जाएगा, अभी असली सरप्राइज तब होगा जब वो देखेगी कोई चीज़ रखी हुई वहाँ पे, उसको लगेगा हैं ये कहाँ से आ गया। तब मज़ा आएगा। तो आई होप कि मैं वो रिएक्शन टाइम पे कैप्चर कर पाऊँ, फिलहाल मैं चाय पी रहा हूँ और मैं ऐसे उसको इग्नोर करके एकदम ऊपर आ गया और अच्छे से छुपा दिया उसका गिफ्ट मैंने, ये उसका गिफ्ट है, बुलाते हैं उसका, उसका रिएक्शन देखते हैं। आ जाए यार रूम देख क्या लग रहा है, इसको देखो इतनी ठंड लग रही है, घर में कोट पहन के बैठी है, इसका रिएक्शन भी देखना है। चलो चलो चलो, वाओ। अभी उसके कलर ना चेंज हो सकते हैं जितने भी बल्ब हैं, सही लग रहा है। हाँ अभी ये रिंग लाइट ऑफ कर, अभी पूरा रूम लग रहा है टेक चैनल कीजिए करे, ये सही कर दिया पापा आपने, सही खेल गए आप। स्वागत है आपको मेरे नियॉन सेटअप में। निकालियो क्या है? Are you serious? Yes. अच्छा? नया मैकबुक एयर फॉर स्टडीज, कह रहे इसको कह रहे मुझे खोल के दो मेरा है। चलो चलो, कब ऑर्डर करते हो ये सब? मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेस में चल रही है ना लाइफ, क्योंकि
इसमें ना हो नहीं पाता है आईपैड में, क्योंकि टाइप करना होता है आपको, असाइनमेंट सब वो वीडियोस बनाने होते हैं, वीडियोस कह रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने यही सोचा था कि हम या तो आई वाला बाहर से कहीं से ठीक कराने का सोचते हैं, या फिर हम सेकंड हैंड लेंगे, या फिर कुछ सेकंड हैंड ले लेते हैं। बट अर्जुना बीइंग अर्जुना, अनबॉक्सिंग मैं ही कर देता हूं, बिकॉज ऑफ कोर्स। तब तक किचू कह रहा मैं पढ़ाई कर लेता हूं। इतना कैसे, हाउ कैन यू कीप अ सरप्राइज फ्रॉम मी? पहले तो तुम नहीं रख पाते थे, अब तो मुझे मतलब इसका मतलब ओहो कितना प्यारा है भाई, गोल्डन में मंगवाया मैंने तेरे लिए, निकालो इसको ऐसे करके। मैं कब मंगवाया बेबी? हो गए 3-4 दिन, कोई लॉकर में आया था। सेफेस्ट है लॉकर में मंगवाना इसको। याद है तेरे को जब लास्ट टाइम हम लॉकर गए थे, मैंने कहा था इसको तो लैपटॉप भी मंगवा सकते हो आराम से। मुझे एक बार को पता क्या लगा था, मुझे लगा था कि YouTube की ट्रॉफी आ गई गोल्डन, और इसे निकाल के लगा दी अर्जुन ने, और मेरे को बुला रहे कि देखना देखना। बट ये कुछ और गोल्डन आया गाइस, अच्छा सुन, ये तेरा अडैप्टर है, ये अडैप्टर है, ये इसके अलावा ना मेरा मत मांगना मेरे से एप्पल का अडैप्टर, समझ आ गई? ये भी अनबॉक्सिंग, कपल अनबॉक्सिंग का ये भी एक पार्ट होता है, बहुत जरूरी। मेरा अडैप्टर नहीं लेगी अभी, अभी मेरे सारे अडैप्टर इसके पास है। और अवेलेबिलिटी हो गई थी उसकी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। अभी दुनिया की बेस्ट फीलिंग होती है जो इसको सेटअप करने की, तो भाई ये लैंग्वेज चेंज करने में लगा है, तुम ये संस्कृत सेट कर देगा भाई, ये अलेक्सा संस्कृत में बातें कर रहा है आजकल। लड़के ने पता क्या किया है? Somebody just got me a gift. वो मतलब पति उसका MacBook Air, bro. Oh my god. Yes. I wish मेरे पास भी ऐसा पति होता। आप तैयार हो अगर परिवर्तन में परिवर्तन करने में तैयार हो अगर आप, तो फिर श्रीमती राहुल सेट्टी करना है बस। क्या बात है लड़के, लड़के ने बस कीच उठ चुका है, उसका भी खाना वाना बन रहा है। मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, क्या उससे आपको कुछ याद आता है? कुछ याद आया? याद आया? अब तो याद आ गया होगा। ये है टमाटर प्याज की चटनी, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और अब डोसा बनने वाला है, इस चटनी के साथ खाया जाएगा। हाय, ये झाग झाग के आता है ना, तो किचन ए मम्मा शेफ, शेफ का सच्चा प्यार मेरे बाद। सॉरी मत कर। क्या? सबसे ज्यादा प्यार तो एक बच्चे को, एक मम्मी को उसका बेबी कर सकता है। ऐसा नहीं है, तू उसको सबसे ज्यादा प्यार कर सकती है, लेकिन तेरे को सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ। डोसा इज रेडी, फेवरेट चीज मेरी। ये चटनी ना ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बनती थी हमारे घर पे, जब दिव्या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, उसके चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, और ये सब चटनी की रेसिपी भी वहाँ पे है। इतनी ज़्यादा स्वाद है ना ये, मतलब मैं क्या बताऊँ। कीचू तो पता नहीं कहाँ चला गया। कीचू वापस फिर वहीं आके छुप जाता है इसके, और अभी देखने कैसे एक्साइटेड है। अज्जू, कीचू को देखा क्या आपने? कीचू कहाँ है? कहाँ गया? कीचू हाँ भाई, ये देखते देखते हो खाना खा रहा है अपना डोसा वोसा, घूमते हुए आए कहाँ से आ रही है आवाज? ये क्या इंस्टा पे डाला उसने?
very nice. Keep it back. Yes. Thank you. अरे किचु ने अपने सर पे पट्टा रख दिया. अच्छा किचु बता दो. One, two, and one, two, and three. Three. अच्छा किचु बताओ. One. आगे क्या होता है? One. तो आज इसमें बज रहे हैं 12:30. दिव्या पिलो में पड़ रही है. कीचू ऑलरेडी सो चुका है और मैं सो के उठा हूँ. मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर. अब मैं अपने रूम में आ चुका हूँ एडिट करने के लिए. तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं. चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. बाय बाय.